हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज अनुराग ठाकुर। तो यार आज की इस वीडियो में मैं स्पेशली बात करने वाला हूँ टॉप के 4 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में जिनमें कि आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो अंडर मैनेजमेंट कोटा। ठीक है, तो मैं आपको वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि मैनेजमेंट कोटा क्या होता है। मैनेजमेंट कोटा इज बेसिकली डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस होता है। यहाँ पे अदर देन योर JEE मार्क्स या फिर कॉमेंट के मार्क्स, ये यहाँ पे मायने नहीं रखती है, ये डायरेक्ट एडमिशन होता है। मैनेजमेंट कोटा की जो फीस है वो शायद आपको थोड़ी इंक्रीज देखने को मिले एज कम्पेयर टू मेरिट कोटा। ठीक है, इसमें कैसे एडमिशन होता है, क्या फीस का प्रोसेस रहता है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा वीडियो को एंड में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो भी इस चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरीके के कंटेंट को रेगुलर देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो स्क्रीन पे VIT वेलोर। दिस कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1984। बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बहुत ही अच्छा कैंपस एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा आपको। अगर हम हाईएस्ट पैकेज की इसकी बात करें तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर 75 लाख पर एनम इसकी हाईएस्ट पैकेज गई है और एवरेज पैकेज इज समवेयर बिटवीन 8 टू 8.5 लाख पर एनम। उसके बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हो MSRIT। दिस कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1962। बहुत ही ज़बरदस्त कॉलेज है ये भी। कॉलेज इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, फैकल्टीज़ बहुत अच्छी है। रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इस पर एक मैंने डिटेल रिव्यू भी अभी हाल में ही बनाई है, जिस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हो अगर आप इस कॉलेज में इंटरेस्टेड हो और इसका अगर डिटेल रिव्यू चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक, तो अगर इस कॉलेज पे बात करें तो इसकी जो अभी तक हाईएस्ट पैकेज गई है दैट इज 50 लाख पर एनम। एवरेज पैकेज इज समथिंग अराउंड 8 लाख पर एनम। उसके बाद है लिस्ट में BMSCE। दिस कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1946। इंडिया की पहली प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है ये, मतलब ज़बरदस्त ये ऑप्शन है ये भी आपके लिए। ठीक है, ये चारों कॉलेज जो मैं बताने वाला हूँ ये मतलब A1 कॉलेजेस है, इससे ऊपर कॉलेजेस आपको एटलीस्ट साउथ इंडिया में नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस कॉलेज की अगर हम बात करें एवरेज पैकेज की तो दैट इज अराउंड 8 लाख पर एनम। इसका हाईएस्ट पैकेज का रिकॉर्ड मुझे क्लियरली दिखा नहीं कहीं पे, तो मैंने यहाँ भी इस वीडियो में मेंशन नहीं किया है। ठीक है, अगर कोई इस कॉलेज के ऑलरेडी एस्पिरेंट है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको शायद हाईएस्ट पैकेज का अंदाजा होगा, या अगर कोई पास आउट है तो आप उसको उस इन्फॉर्मेशन को आप कमेंट में ज़रूर शेयर कर सकते हो। जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनको एक हेल्प मिलेगी। इसके बाद है लिस्ट में RVCE, दैट इज RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये मेरे हिसाब से इन चारों में सबसे अच्छा ऑप्शन यही होने वाला है। एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1963। इसकी अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें तो 8 टू 9 लाख तक का इसका एवरेज पैकेज रहता है। हाईएस्ट पैकेज इज अराउंड 52 लाख पर एनम। ज़बरदस्त फैकल्टीज़ मेंटेन करती है ये, स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो पे भी बहुत अच्छा ध्यान देती है कॉलेज। ये कॉलेज भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है आपके लिए। कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये चारों मेंशन्ड कॉलेज आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू इंजीनियरिंग इन टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस फ्रॉम साउथ इंडिया। ठीक है, साउथ इंडिया में अगर आप किसी बहुत ही अच्छे टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करना चाहते हो और किसी वजह से थोड़े कम नंबर आ गए, आप मेरिट में नहीं आ पा रहे हो, तो आपके लिए मैनेजमेंट कोटा एक अच्छा ऑप्शन है। थोड़ी इसमें फ़ी जो है मेरिट से ज़्यादा रहेगी। एडमिशन प्रोसेस इसका काफ़ी सिंपल रहता है। कॉलेज का एक पूरा स्ट्रक्चर रहता है मैनेजमेंट कोटा का अलग से, जिसमें उन्होंने डिटेल में दिखाया हुआ है कि फीस हम पर ईयर कितनी रहती है एंड कैसे एडमिशन प्रोसेस रहता है। इन सारे कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा के लिए कुछ % सीट्स ऑलरेडी रिजर्व रहती है, तो उसके लिए आपको ज़रा से भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एडमिशन प्रोसेस काफ़ी इजी है। मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन से रिलेटेड किसी तरीके के डिटेल या फिर किसी तरीके का आपके मन में डाउट है तो उसके लिए मैंने स्क्रीन पर एक नंबर दे दिया, आप उस पर कॉल या मैसेज करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो और इवन अपना एडमिशन भी फाइनलाइज करवा सकते हो। सो होप यू ऑल लाइक द वीडियो। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।